हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल एट लोकेशन अनलिमिटेड स्टडी जोन सो क्या बताएं आपको बताया जा रहा है यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक फॉर जीपी ओके यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक शॉर्ट ट्रिक इंपॉर्टेंट रिजल्ट किसके लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए तो देखिए क्या कंसेप्ट है कंसेप्ट आप लोग सभी लोग नोट कर लीजिए कंसेप्ट ये है कि इफ़ फर्स्ट टर्म ऑफ एन जी अगर कोई जी है इसका जो फर्स्ट टर्म है वो है ए ओके okay. जीपी का जो फर्स्ट टर्म है वो है ए और इस जीपी का अगर लास्ट टर्म यानी कि एंथ टर्म कह लो और ये जो लास्ट टर्म है वो कितना है एल है तो जीपी के सभी टर्म्स का प्रोडक्ट देन प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स तो याद रखिए जी के सभी टर्म्स का जो प्रोडक्ट होता है अगर एन टर्म्स हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं एन हैं तो इनके सभी टर्म्स का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है ए इन टू एल होल्ड टू द पावर एन बाई टू ओके इसके सभी टर्म्स का प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है ए इं टू एल होल्ड टू द पावर एन बाई टू याद रखिएगा अगर जी का एंथ टर्म लास्ट टर्म है तो एल कितना होगा इसका ए आर टू दी पावर एन माइनस वन होगा ओके okay? टर्म इसका लास्ट टर्म है वो कितना होगा ए आर टू दी पावर एन माइनस वन और सभी टर्म का जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा ए एल टू पावर एन बाई टू चलिए तो आइए इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर देखिए क्वेश्चन क्या है मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जी पी इज टू अगर किसी जी पी का जो पहला टर्म है वो टू है ओके और इसका जो लास्ट टर्म है सिक्सटीन है एल इक्वल टू कितना है आपके पास में सिक्सटीन है और ज टोटल टर्म ऑफ द जी पी इज़ फोर नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं फोर हैं तो आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द टर्म्स ओके प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स तो क्या शॉर्ट ट्रिक आपको बताएगी ये प्रोडक्ट ऑफ ऑल द टर्म्स की ए इंटू एल होल टू दी पावर एन बाई टू शॉर्ट ट्रिक को याद रखिएगा ए है टू एल कितना है आपके पास में सिक्सटीन और होल टू दावर एन बाई टू यानी फोर बाई टू ओके टू इन टू सिक्सटीन कितना हो जाएगा थर्टीन सॉरी थर्टी टू टू पावर टू तो आंसर कितना आएगा थर्टी टू का स्क्वायर तो करेक्ट है इसका आंसर है थर्टी टू का स्क्वायर डन